हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग द टॉल राइडर। सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग द पैडॉक फॉर KTM 390 एडवेंचर। सो अभी क्या होता है कि KTM 390 एडवेंचर में कोई मिडिल स्टैंड नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो आपको अगर चेन ट्यूब या फिर चेन क्लिंग करने हो बाई सेल्फ, तो इट्स बिकेम वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आपको बाइक टिल्ट करना पड़ता है, फिर थोड़े से पोर्शन पर चेन ट्यूब या फिर चेन क्लिंग लगाओ, उसके बाद फिर टायर को रोटेट करो, फिर उसके बाद फिर से चेन क्लीन चेन ट्यूब लगाओ, फिर से रोटेट करो, फिर टिल्ट करो। सो बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है गाइस इसमें। सो ऑलमोस्ट 1 आवर्स का टाइम आपके पास जाता है, और ऊपर से गंदा वाला मेहनत लगता है। सो इट्स बेटर टू बाय अ पैडॉक। सो मैंने अभी अपना एक पैडॉक बाय किया है। पैडॉक का अनबॉक्सिंग हो चुका है। अनबॉक्सिंग होने के बाद पैडॉक कुछ ऐसा लगता है। सो वेट भी काफ़ी ठीक ठाक है। सो ऑलमोस्ट आई विल से 7 kg इसका वेट होगा, एंड दिखने में काफ़ी स्टडी है। द व्हील ऑल्सो लुक्स परफेक्टली स्मूथ। या दे आर परफेक्टली स्मूथ, एंड बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है। एंड मैंने काफ़ी देखे थे अमेजोन पे, बट उनका प्राइस यार बहुत ज़्यादा था। ऑलमोस्ट 3,000, 3,500, 4,000 तक के भी पैडॉक थे, बट अपने को थोड़ा सस्ता और टिकाऊ वाला पैडॉक चाहिए था। सो आई चूज टू बाय पैडॉक फ्रॉम GA ऑटो एसेसरीज, विच इज़ अवेलेबल ऑन द Amazon, एंड इट इज़ अ यूनिवर्सल मॉडल जो कि मुझे पड़ा 2,500 रुपीज़ में, एंड दिखने में काफ़ी अच्छा है और स्टेडी भी लग रहा है। सो इसको यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा, देखते हैं। सो गाइस, ये है अपनी फर्स्ट बाइक बजाज की एवेंजर 220 स्ट्रीट, एंड दिस वन इज़ अवर जार्विस KTM 390 एवेंजर। सो पैडॉक अपन ने ऐसे ही के लिए लिया है, बिकॉज वो सेंटर स्टैंड तो है नहीं। सो हाउ यू आर गोइंग टू डू द चेन क्लीन एंड चेन ल्यूब, सो पैडॉक खरीदना तो बनता था इसका। सो अभी हम इसमें लगा के चेन क्लीन एंड चेन ल्यूब दोनों करके देखेंगे, एंड देखते हैं कि हाउ डज इट गोस।
सो गाइस कड़ोक लग गया है एंड नाउ विल बी स्टार्ट इज अवर अभी हम स्टार्ट करने वाले चैन क्लीनिंग एंड चैन ऑयल तो अपना चैन क्लीनिंग ऑयल डाल के हो गया है अभी एंड एक्चुअली मैंने जो अपना क्लच है उस पर कपड़ा बांध के रखा है बिकॉज एक्चुअली आई एम अलोन सो क्लच दबाने के लिए कोई अवेलेबल नहीं है सो कपड़ा बांध के रखा है सो उसकी वजह से अपना जो टायर है वो कंटिन्यू रोटेट कर रहा है और जो अपना चैन ऑयल है वो कंटिन्यू पूरी चैन पर और जो स्प्रॉकेट है उस पर पूरी तरह लग जाएगा गाइज बाइक का चेन ल्यूब हो गया अच्छे से बट व्हेनेवर यू डू द चेन ल्यूबिंग जस्ट मेक श्योर कि
चैन का दोनों साइड, मतलब राइट एंड द लेफ्ट दोनों साइड का आपको चेन लूप करना है, एक साइड का नहीं करना है, बिकॉज जो आपके पास लॉक्स होते हैं वो आपके दोनों साइड से होते हैं। सो जो लॉक्स होते हैं वो दोनों साइड से आपके लूप होने चाहिए। वन लास्ट पीस ऑफ सजेशन फॉर ऑल द बाइकर्स आउट देयर, कि नॉर्मली अपना इंटरनेट पर लिखा होता है कि 500 किलोमीटर्स के बाद आपको चेन लूप करना चाहिए, बट जैसा कि मैंने एक्सपीरियंस किया है विथ माई KTM 390 एडवेंचर, अगर पानी में बाइक नहीं जा रही है तो उस केस में मेरी बाइक जो है वो 400 किलोमीटर्स ही उसको चेन लूप का रिक्वायरमेंट हो जाता है। मैं एक्चुअली 400 किलोमीटर्स के बाद चेक करता हूँ और तो नीचे बिल्कुल सूखा सूखा रहता है, एंड वेन एवर आई एम ड्राइविंग इन द रेनी सीजन या फिर कीचड़ में मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो उसके इसमें अंडर 200 किलोमीटर्स ही मुझे बाइक्स का चेन लूप करने का रिक्वायरमेंट पड़ जाता है। सो इट्स नॉट दैट 500 किलोमीटर्स इट्स थंब रूल, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जब भी लगे कि आपका बाइक का चेन सूख गया, हाथ लगा कर देखिए, आपको ब्लैक मड मिलेगा। अगर वो आपको मिलता है तो यू नीड टू डू द चेन क्लीनिंग एंड द चेन लूप एट दैट टाइम ओनली गाइस। सो अपनी बाइक की चेन का आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज इट विल ब्रेक डाउन एंड इम्पॉर्टेंटली इन द रेनी सीजन। Unknown, I don't need to decide. It's true that I don't have.